अभी जो है हमारा चैप्टर चल रहा है चल रहा है, उसमें हम कल जो है वो किया इंटीग्रेटेड रेडिएशन उसके बाद हमने दो गुण किए हैं कुछ समय आगे के लिए विस्तृत कर चुके हैं और उसके बाद मात्रा कम कर चुके हैं। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा उसका जन्म है हर आयु का क्या है इसके अंदर हर आयु का जिसको हम भी आपके द्वारा प्रदर्शित करते हैं उत्तर क्या है जैसे कि अर्ध आयु का जैसे कि हमारी जो अगर मान लें कि हमारी जो औसत उम्र है वो 70 साल है तो आदि कब होगी जबकि हमारा कब होगा जब 35 साल हो जाएंगे तब वो हमारी अर्ध आयु है। वैसे ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अर्ध आयु काल में होता है वो क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभी कारक रिएक्टेंट है कि प्रारंभिक सांद्रता के आधा अपघटित होने में लगने वाला जो समय है जैसे अगर 100% प्रारंभिक सांद्रता है तो 50% अपघटित होने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं अर्ध आयु काल कहते हैं तथा इसको आपके द्वारा प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हमको पता है कि जो स्थापित वेग समीकरण है वो क्या है हमारे प्रथम छोटी अभिक्रिया की 8.3 2.303 log base 10 a / a - x। मान लेते हैं हमारा t = हमारा क्या है t ½ है ठीक है t = हमने क्या मान लिया t ½ मान लिया इसलिए x = क्या होगा x आपका क्या है सांद्रता है तो वो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है तो x = क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो ये मान जो है इस समीकरण के अंदर रख देते हैं तो क्या आएगा n.303 t की जगह पे हमने क्या लिखा है इसको t ½ लिख दिया उसके बाद log base 10 a की जगह पे a यहाँ a माइनस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता का आधा लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें a/2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं 2.303 अपॉन t ½ ये आपका हो गया और इधर हो गया log base 10 a ये आपका 1 है ये ½ है तो यहाँ क्या बचेगा a/2 बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी हमारी इक्वेशन ये 2.303 अपॉन t ½ log base 10 एंड 2 लोग बेचते हैं 2 जो है हमारा ये मान आ गया थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है ये मान जो है आप याद कर लीजिए लोग बेचते हैं 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है ये याद रख लीजिए लोग बेचते हैं 3 का मान है 0.347713 होता है लोग बेचते हैं 10 का मान जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है लोग बेचते हैं 100 का मान जो होता है वो 2 के बराबर है और एक और अगर आप याद रखना चाहें लोग बेचते हैं 1 का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है ये मान जो है आप याद रख लीजिए तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा इसके अंदर 0.3010 के बराबर हो जाएगा। तो ये मान हम इसमें रख देंगे रख के और इसको सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वेश्चन क्या रहेगी a = 2.303 अपॉन t ½ इंटू इसका जो मान कितना आ गया 0.3010 आ जाता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा k = आ जाता है 0.693 अपॉन t ½ क्या हमें किसका मान निकालना है हमें t ½ का मान निकालना है तो t ½ हमारा क्या मान हो जाएगा क्योंकि जो आता ही काल है उसका कुछ
उसमें कुछ मान होगा, लेकिन ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस पर हरे, अगर मैं कहते हैं कि इसमें आपसे जिस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये कोई क्वेश्चन आया उसमें ये पूछा कि यदि किसी किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में n m सांद्रता वाले अभिकारकों का अर्धायुकाल मान लिया, कितना भी दे सकता है, n सेकेंड है, तो यदि सांद्रता दुगुनी कर दी जाए, तो अर्धायुकाल क्या होगा? अर्धायुकाल क्या होगा? जैसे कि हमें पता है कि अर्धायुकाल क्या है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे सांद्रता कितनी ही लीजिए तो उस पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? हमारा n सेकंड ही रहेगा। लिखा रखा है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसमें जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे समाप्त द्वितीय समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल आसान है, समाप्त द्वितीय समीकरण इसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया इसको कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वो अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे आप क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। वही सेम प्रथम की तरह ही हम इसको करेंगे, a इक्वल टू मान लिया कि इसको बदल रहा है उत्पाद, a इक्वल टू 0 टाइम पे मान लिया a क्या किया हमने जो है a की सांद्रता ले ली 1 मोल पर लीटर में, उत्पाद की तरह रहेगा क्योंकि समय 0 है तो उत्पाद कुछ बनेगा भी नहीं, तो भी उत्पाद क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 0। प्रारंभिक क्योंकि यह है क्या आपका शून्य कोटि अभिक्रिया है, अतः ये इसकी प्रारंभिक a की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, तो उत्पाद क्या आ जाएगी आपका 0 आ जाएगा। तो और क्या हो सकता है, dx upon dt इक्वल टू समानुपाती का निशान हटाएंगे आपका a आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस x पावर 0, तो इसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, dx upon dt इक्वल टू k, क्योंकि जो होगा a माइनस x की पावर 0 जो होती है वो आपका बल के बराबर होता है। तो ये हमारा जो समीकरण आ गई, ये कौन सी आ गई, आपकी अवकलित वेग समीकरण, यानी आपकी अवकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर dt को उधर ले जाइए तो dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, k dt। अब क्या करना है, इसका समाकलन करने पर, तो इससे क्या करेंगे हम, समाकलन करने के लिए क्या है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो इसका समाकलन करें, तो कर दीजिए समाकलन, समाकलन करने का लगा दीजिए इंटीग्रेशन dx इक्वल टू k, जो भी आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा k और ये आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर dt आ रहा है, ठीक है। तो dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, k का k और dt का होता है t, प्लस कोई समाकलन स्थिरांक उसके c हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे c क्या है, समाकलन स्थिरांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक है। तो यहाँ पे c का मान निकाल रहा है, मान लिया हमने t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, जब हमें 0 है तो कोई भी उत्पाद नहीं बन रहा, तो ये आपका 0 के बराबर, इसके अंदर रख दीजिए।
सी, सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया इसके अंदर जीरो। तो ये जो मान है इस समीकरण दे रहा है, ठीक है, इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर एक्स इक्वल टू ए टी, और निकालना क्या है के निकालना है, के इक्वल टू क्या जाएगा एक्स अपॉन टी हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई समाकलित वेग समीकरण, किसके लिए जीरो समाकलित वेग समीकरण, इसके लिए है आपके जीरो। कुछ जो किताब है वैसे भी लिखती है एक्स इक्वल टू जो है ए नॉट माइनस ए, जैसे हमने उसमें रखा था उसके अंदर, तो उस बुक ये प्रारंभिक संदर्भ था और ये आपके टी संदर्भ का संदर्भ है, तो एक्स की जगह पे आप ये भी मान रख सकते हैं, तो उस बुक को इस तरह से भी लिख दी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर ए नॉट माइनस ए अपॉन अपॉन टी, अभिक्रिया के बारे में। अब हम क्या है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे,
जो जनरली जो है एग्जाम में आते हैं आपके ओबीए की तरफ है जनरली ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। मान लिया इसके अंदर एक वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें यह है कि यदि प्रथम कोटि कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया के ठीक है अभिक्रिया के कुछ मान लेते हैं इसके अंदर 40% लेते हैं 20% पूर्ण होने में यदि 10 मिनट लगते हैं तो समान अभिक्रिया की ये इसी अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन कंपटीशन में या एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो सबसे पहले आप ए वाला आपकी तो एक समीकरण वो ही 2.303 अपॉन बी लो बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स जहाँ पर प्रतिशत आए तो आपको याद रखना है जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 100 ले प्रतिशत का मीनिंग यही होता है कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या लेगा आपने जहाँ भी प्रतिशत आए तो याद रखिए ए कितना लेना है 100 लेना है तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो पहले हम ये केस को देखें ठीक है और इसलिए क्योंकि समान अभिक्रिया तो हमें सबसे पहले के का मान निकालना पड़ेगा। ए अभिक्रिया तो क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले के का मान, तो ए इक्वल टू क्या है हमारा 100 और कितने परसेंट पूर्ण हो रही है 20% हो रही है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ से का मान 2.303 अपॉन पी बी आपको दिया हुआ है के कितना दे देगा 10% दे ठीक और यहाँ पर आपका लो बेस ए कितना है 100 है ए माइनस एक्स 100 माइनस 20 तो इक्वेशन क्या हो गया 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 ए आपका 100 अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा जिसको इससे कैंसिल हो जाएगा या इसको आप कैंसिल कर सकते हो 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 ये आपका क्या है ये इसको इस टाइप से आपका लॉग बेस 10 ए अपॉन बी तो उसको आप क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ए माइनस लोग बेस 10 बी आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमारा ये 10 अपॉन 8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं लोग बेस 10 माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा लोग बेस 10 10 8 इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो ये हमारा क्या 2.303 अपॉन 10 इसको सॉल्व करना है ये तो हमको पता है लोग बेस 10 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अगर आपको एग्जाम में लॉग टेबल दी है तो ठीक है अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो ये हमारा जो लॉग बेस 10 ये इसके बराबर होगा तो जो पावर होती है लॉग में वो हमेशा आगे आ जाती है तो ये क्या बना लॉग बेस 10 10 2 बना ठीक है। तो ये 3 × ये हमको पता है कितना है 0.3010 ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कर लीजिए 0, 3, 0 और 9 ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इससे इसको माइनस कर लीजिए 1 में से माइनस कर दीजिए तो ये आपका क्या 1.000 जो भी मान दिया हुआ 0903 ठीक है। ये आपका यहाँ से जाएगा तो 10 में से आपके 3 के 7 इधर ये आपका 9 और इधर 9 9 0 ये आपका इतना मान आ जाएगा ये 2.303 × 0.97 अपॉन 10 तो 10 को याद करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आपका ठीक है। ये हमारा हो गया उसका एक ये तो एक केस हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि 80% पूर्ण होने में हमें कितना समय लगेगा तो वही ए का मान आ गया तो वही समीकरण आप हम क्या करेंगे दोबारा से लिखेंगे इसको ये
यही सेम इक्वेशन हमें क्या करनी है, दोबारा से लिखनी है। अब ये मान थोड़ा सा चेंज हो जाए, हमें क्या करना है, ये एक्स क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, और ये हमें निकालना है। ओके आप ठीक है, तो हमें निकालना है टी, तो टी को ले लेते हैं 2.303 upon k, फिर आपका लोग बेस टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ से t = 2.303 upon k का मान आप लीजिए 0.2303 into आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर 0.97 0.097 आ जाएगा। फिर यहाँ से वही से दो पेस्ट है, ए कितना है 100, ये आपका कितना है 100, एक्स कितना है ठीक है, एक्स का आपका 80 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा जो मान आएगा 2.303 अपॉन आपका 0.2303 इंटू 0.097, ये हमारा क्या हो जाएगा दो पेस्ट है, ये 100 का 100, ये आपका कितना हो जाएगा, ये इसको आप कट कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.303 upon 0.2303 into 0.097, उसको वही सॉल्व कर लीजिए। हमारे है क्या इसके अंदर दो बेस 10 माइनस दो बेस 10 2, ये 2 से चला जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये माइनस दो बेस 10 2 इसके बराबर 0.301 उसको माइनस कर दीजिए, ये हमारा 1.00 और माइनस कर दीजिए 301, यहाँ पर आपका 9, फिर ये भी आपका 9, ये तो 9 था, 9 में से आपका 3 6, ये आपका इतना मान आ जाएगा (into 0.6999). तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा क्या रहेगा, 3 का मान आ जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, और एक हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आपके बुक से ही मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आते हैं ये आपको कह रहा है कि बताइए प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 70% अभिक्रिया में पूर्ण होने वाले समय से दुगना होता है। ये जो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कहता है कि 99 जो है आपका पूर्ण होने में जितना समय लगता है ठीक है, वो कहता है कि 90% जो पूर्ण होते हैं उससे दुगना होता है, तो उसको आपने क्या करना है, प्रूफ करना है ठीक है, क्या करना है उसको प्रूफ करना है कि जो 99 की कोई अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 20, तो आपको बताना है कि फर्स्ट प्रोडक्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगने में लगा समय 90% अभिक्रिया में आपका पूर्ण होने में लगने वाले समय से डबल होता है ठीक है। कहते हैं ये तो 99% आपकी कंप्लीट हो रही है, और दूसरी क्या हो रही है आपकी, कितनी परसेंट हो रही है, 99 और दूसरी 90%, तो किस स्पीड में है, बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, पहले मान लेते हैं हम हमारी इक्वेशन क्या है, वही k = 2.303 log base 10 a upon k minus 6 पहले हम इस केस का बात करेंगे। a वही 100% दिया है, तो x यहाँ पे क्या है आपका 9 ठीक है। तो यहाँ से 3 निकाला, तो इस सेम अभिक्रिया में k का मान निकाला है जो हमने हमें कंपेयर करा, तो d 99% हमें निकाला, तो हमारा क्या हुआ 2.303 upon k हुआ upon k।
तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2.303 अपॉन के अपॉन अपॉन के, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लोग बेस 10 या 100 अपॉन के, क्या हो जाएगा आपका अपॉन लोग बेस 10 आपका हमको पता है कैसा होता है, ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये होगा लोग बेस 10 100 माइनस लोग बेस 10 1, लोग बेस 100 आपको पता है 2, और ये किसके बराबर होता है लोग बेस 10 1 जो होता है वो 0 के बराबर। तो जैसे कि जो हमारा आंसर आएगा 399% इसके बराबर आ गया, 2.303 अपॉन के इनटू 2 के बराबर। तो ये केस को हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड केस हमने क्या निकाला था, इसके लिए 90% भी निकाला, बिल्कुल आसान उसी तरह से ही हमें क्या करना है, इसको 90% भी निकालना, ठीक है। मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ इसके लिए 90% के लिए इसका मान निकाल रहा हूँ। ये जो मान था आप एक तरफ रख दीजिए, नहीं हमारा जो टी 99% था वो आया है 2.303 अपॉन के इनटू 2 आया है, ठीक है। अब हमें किसके लिए मान निकालना है, 90% 90% है तो यहाँ पे ए 100 हो जाएगा और एक्स आपको क्या हो जाएगा 90, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303। हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, टी तो लिख सकते हैं, टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए, फिर वही दो बीच में ए आपका 100 या 100 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.303 अपॉन के आ गया, फिर यहाँ से लोग बेस 10 100 और ये कितना हुआ आपका, ठीक है, 100 माइनस 90 कितना बचा 10 बचा, फिर इसी से कैसे, तो यहाँ पे क्या बचा लोग बेस 10 10, और इसमें हमको पता है कि लोग बेस 10 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो टी ये मान लेते हैं कितना है 90%, ये हमारा है 90%, ठीक है। तो क्या होता है 2.303 अपॉन ए इंटू 1, मतलब नंबर नहीं है तो ले लेंगे हमारा मान जो है वो ये, तो दो मान आ गए 90% भी आ गया और 99 का मान भी आ गया। आप दोनों को क्या करना है, आप रख लीजिए डिवाइड कर लीजिए, कर लेते हैं ये लीजिए टी 99% अपॉन टी 99 का मान 2.303 अपॉन के इनटू 2, आप किसका मान रखना है 90 का क्या है 2.303 अपॉन के, तो क्या होगा कि आपका ऊपर चला रहा है, इससे ये कैंसिल के इससे ये कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी इक्वेशन ये आ गई कि 99% अपॉन टी 90% इसके बराबर आ गया, या कि 99% के लिए जो 2.98, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है यदि कोई अभिक्रिया 99% प्रूव हो रही है तब वो हां तब वो भी बात कर रहा है, तो 90% में जो जीता रह कर क्या उसका जो था वो एकदम उसे क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब हमारा हो गया, नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे इस मतलब रिवीजन पूरी करेंगे और रेट ऑफ टेंशन पर टेंशन पर क्या प्रभाव होता है।